Hey guys, subscribe to Strike and Pocket and press the bell icon to get the notification of every new video from this channel. Hey, what's up guys? I'm Ashraf Khan and you're watching Strike and Pocket. Guys, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है, काफी इंपॉर्टेंट है और मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे है जो कैरम के करंट वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर प्रशांत मोरे. इनके साथ नहीं जानते इनको शक्ल से, आपने नाम तो जरूर सुना होगा अगर आप कैरम खेलते हो तो. ये है हमारे साथ कैरम के वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे प्रशांत भाई. आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए. और गाइज, हम बस करने वाले हैं इनसे आज कुछ बातचीत, हो सकता है जिससे आपको काफी कुछ अच्छा सीखने मिले, काफी कुछ ऐसा देखने मिले जो आपने, काफी कुछ ऐसा जानने मिले जो आपने कभी नहीं पता होगा, आपको कभी नहीं सुना होगा. तो हो सकता है कि आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाए इस वीडियो के दौरान और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है. ऑब्वियसली कुछ ऐसे सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूँ, तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. मोटिवेशन मिल रहा है कैरम देख के, आपको बस खेलना है कैरम, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो आपने कैरम को ऐसे क्यों चुना? क्योंकि आज की जो कंडीशन है, आज की जो लेवल है कैरम की, जब आपने स्टार्ट किया होगा यकीनन उससे काफी पीछे होगी और काफी कम ग्रोथ होगी कैरम की. तो आपने, आप क्या ऐसी रीजन, क्या ऐसा वजह है, क्या ऐसा रीजन है जिससे आप कैरम में आए और आपने कैरम को एज अ करियर चुना? कैरम के रिलेटेड बोलूं तो मैं, कैरम हित मेरी जानी है, मैं बोलना चाहूंगा कि उसकी वजह ऐसी है कि आज जो भी मेरा जो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे डैड भी कैरम प्लेयर है, तो वो भी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट है इनकम टैक्स में, तो कैरम प्लेयर करके उनको नौकरी मिली. इसका मतलब जो भी हमारा परिवार कैरम की वजह से ही चल रहा है, जो मतलब उनको जॉब मिली, तो उस बेसिस पे पिताजी ने मुझे भी कैरम सिखाया. तो कैरम सीखते सीखते जब मैं स्टार्ट, मैंने 9 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया कैरम खेलना. फिर उसके बाद मेरा 13 एज कम्प्लीट होने का, 14 एज में मुझे बैंक ऑफ इंडिया में स्कॉलरशिप प्लेयर करके एक प्लेटफॉर्म मिला, जो वो अपॉर्चुनिटी मुझे संजय नागौकर सर है उन्होंने दिए, वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, बैंक ऑफ इंडिया से खेलते हो, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, तो उस वजह से मैं डायरेक्ट नेशनल खेलने के लिए मैं एलिजिबल हुआ. आपका बोलने का मकसद ऐसा है कि आपको मोटिवेशन करके संजय नागौकर जी ने फर्स्ट प्लेटफॉर्म दिए. ओके, तो उसके बाद आपने, आप बोल रहे हो कि आपने लगभग काफी पहले से, मतलब आपने क्या बताया, आप काफी वक्त से कैरम खेल रहे हो, कितना साल हो गया आप कैरम खेल रहे हो, कितने साल के मेहनत के बाद आप तब जाके आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हो? आज मैं मेरा कैरम का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आज 17 साल हो गया कैरम खेल रहा हूँ, और मतलब मेरी उम्र की 9 साल से मैंने स्टार्ट किया. भाई 17 साल, भाई 17 साल तक कंटिन्यूसली कैरम खेल रहे हैं भाई आप, मतलब काफी बड़ी बात होती है अपनी अपनी. मेरी तो अभी समझो 17 से 3-4 साल ऊपर की उम्र होगी, तो 17 साल से कैरम खेलने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, तो काफी मतलब बड़ी बात है. तो और क्या बोलना चाहेंगे आप अपने कैरम के करियर के बारे में? कैरम की करियर के, वही प्लेटफॉर्म मिला मुझे बैंक ऑफ इंडिया से, तो मैं 14 उम्र में वहाँ से मैंने डायरेक्ट नेशनल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली. तो नेशनल्स में जो कंपटीशन है बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे जाने पता चला कि अपना गेम को कितना इम्प्रूव करना है, कि जैसे आपको नेशनल या इंडिया लेवल पे खेलना है तो कितना गेम अपना और अपने को इम्प्रूव करना है, उसकी आइडिया आ गई. उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस चालू किया, जैसे प्रैक्टिस करते करते कितना गेम इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ पे कम है. फिर यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे कि कैसा गेम डेवलप करना है. डैड से पूछा, मेरे डैड ने मुझे काफ़ी मेहनत, मतलब मेहनत करके सिखाया है, उनको ऑफिस भी वर्क करके आके फिर मुझे सिखाना, ये वो सब करके मैं तो मतलब जो भी आपको बेसिक्स वगैरह है वो सब डैड ने सिखा है. यस एग्जैक्टली, मतलब कैसे क्या खेलना चाहिए, क्या रीजन होता है, क्या पॉइंट्स को कैसे पॉकेट करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें वो काफी मैटर करती है, बेसिक से लेके पूरा टॉप लेवल तक. ओके, हर चीज उन्होंने मुझे टीच की है. आपने अभी मेंशन किया कि आप प्रैक्टिस को, मतलब आप बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करते हो, तो कैसे आपने प्रैक्टिस की और क्या आप ऐसा स्पेशल करते हो, और आपको क्या ऐसी चीज लगती है जिसने, जैसे आपने प्रैक्टिस में की और आपको वो आगे चल के काम में आई और जिसकी वजह से आपने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? प्रैक्टिस तो मैं काफी दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे में रेगुलर खेलता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस में भी काफी रिलीवर मिलता है. जैसे कि मैं आज रिजर्व बैंक में, मुझे एज ए स्पोर्ट्स कोटा नौकरी जो मिली है,
तो वहाँ पे मुझे डेली 10 से लेके 1:30 2 o'clock को मुझे रिलीव मिलती है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं वहाँ से आने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता हूँ सुबह उठने के बाद 6 से लेके 8 बजे तक का, फिर वो 2 घंटे करना, घर आने के बाद 3 बजे घर पे आने के बाद फिर 3 से 6 घंटे प्रैक्टिस, तो ऑलमोस्ट 5 आवर्स तो ऐसे ही हो जाते। फिर उसके बाद थोड़ा लंच वगैरह मतलब टी वगैरह करके फिर प्रैक्टिस, मतलब मेरा कैरम ऑफिस यही सब चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे पहले तो मुझे कुछ, जैसे मैं आपको बताया बैंक ऑफ इंडिया में स्कॉलरशिप प्लेयर था, तो वहाँ पे मुझे प्रैक्टिस वगैरह तो ऑफिस वर्क नहीं था, तो कंप्लीट फुल डे प्रैक्टिस, तो डेली में कम से कम 10 से 12 घंटे खेलता था। तो आज वो ये सब जो मेरी मेहनत अब ये रंग लाई है, तो कैरम को काफी मैं काफी रंग रही है। हाँ। आपको अगर ये बात नहीं पता होगी तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कैरम में जो करियर लोग चुनते थे, मतलब एक पैशन था, एक हॉबी थी, एक प्यार था उस गेम को लेकर, तो इसीलिए वो लोग चुनते थे कि हमको कैरम में आगे चल के कुछ करना है। इन्होंने भी जब किया था इनको भी नहीं पता था कि हम मुझे कैरम से इतना मिलने वाला है। तो जब जब ये इंडिया सिलेक्ट हुए थे, जब नेशनल में सेमी सेमीफाइनल खेले थे, मतलब जबकि नेशनल जीते भी नहीं थे ये, तो इंडिया में इनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन ट्रायल्स में मतलब प्रीवियस जो वर्ल्ड चैंपियन थे उनको हरा के इन्होंने टीम में एंट्री की थी। श्रीनिवास जी को आपने हराया था, राइट? तो श्रीनिवास जी को हरा के इन्होंने एंट्री की थी टीम में, तो वो भी एक अच्छी बड़ी बात थी, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है अपने आप में, क्योंकि करंट वर्ल्ड चैंपियन को हरा के टीम में एंट्री लेना वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती इन्होंने, मतलब फर्स्ट टाइम आके कोई बंदा फर्स्ट टाइम सिलेक्ट होके टीम इंडिया में। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेला था, मेरी महाराष्ट्र टीम से मतलब सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं कैसा परफॉर्मेंस करूंगा। तो मैं यकीनन बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे वो समझ रहा है कि कितना प्रेशर वाला सिचुएशन होगा कि आप अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या वो टाइम पे अंदर से अपने होगा। और उस टाइम पे इन्होंने जाके वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, अपने देश के लिए गोल्ड लेके आया, तो काफी बड़ी बात है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और क्या क्या ऐसी चीज जो आपके दिमाग में चल रही थी उस वक्त? फर्स्ट टाइम इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए जब मैं गया था, ये टूर्नामेंट यूके में बर्मिंगहम ये जो शहर है वहाँ पे हुई थी, और वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, और वहाँ के जो कैरम के जो सब इक्विपमेंट थे वहाँ पे, सिंको कैरम का वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ किया था, और वहाँ की पाउडर जो थी वो पोटैटो स्टार्च करके पाउडर थी। तो पोटैटो स्टार्च से कंपेयर टू महाराष्ट्र और इंडिया लेवल में जो पाउडर यूज़ करती है इंडिया के नेशनल्स लेवल में, तो कम्प्लीट डिफरेंट है। तो वहाँ के इक्विपमेंट के हिसाब से आपको चलना है। तो वहाँ का एटमोसफियर बताऊँगा तो जो वहाँ पे पाउडर यूज़ करते थे, तो वो हमारे महाराष्ट्र कैरम के सेक्रेटरी आप सभी जानते हो अरुण केदार जी, वो सर ने हमको कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले वो पाउडर वहाँ से एक्सपोर्ट करके उन्होंने हम सारे जो इंडिया टीम में जो प्लेयर्स है उनको सबको प्रोवाइड किया था। तो वो पाउडर सबको प्रोवाइड करने की वजह से प्लेयर्स लोग को, जो हम लोग प्लेयर थे, रियाज अकबर अली सर है उसमें, संदीप देवरुखकर सर है, फिर से शंकरा सर है, आर एम शंकरा वो भी दो बार वर्ल्ड चैंपियन है, रियाज अकबर अली ये ICF कप चैंपियन है, काफ़ी इंटरनेशनल 3 साल कंटिन्यू वो इंडिया टीम में है, संदीप देवरुखकर ये आप सभी लोग जानते हैं जानते सबको, होंगे ऑब्वियसली जानते, काफी बड़े नाम है ये सब यकीनन और काफी अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं। हाँ, छत्रपति अवार्ड ये संदीप देवरुखकर ये तीनों भी प्लेयर को आप सभी जानते हैं कि मेरे जो फेवरेट प्लेयर है वो है संदीप, तो वो भी थे वहां पे टीम में। तो वो सब उनके साथ में खेलते वक्त अभी उनको सबको पाउडर मिली थी, वो मुझे भी मिली थी, तो मैंने काफी उस पाउडर के ऊपर स्टडी किया कैसे करना चाहिए, काफी मतलब स्पीड था। एक जो है ना, जो हमारा रेगुलर जो बोरिक एसिड पाउडर होता है और जो वहां पे जो पाउडर था वो मतलब दो अलग चीज है। आप देखो ना उसके ऊपर खेलने का एक्सपीरियंस आप करो तो वो काफी अलग है कंपैरेटिवली। और बोलने का मतलब ऐसा है, बोलने का मकसद ऐसा है कि अभी हम किसी से यूज टू है और हमें कुछ अलग ही क्लाइमेट में जाके खेलना है, तो वो उसमें थोड़ा एडजस्ट करने में भी थोड़ी सी आपको मतलब वो किस तरह आपने एडजस्ट किया वहां पे? एडजस्ट करने का तो अभी क्लाइमेट के हिसाब से देखेंगे तो काफी मतलब 5 डिग्रीज पे था वहां का क्लाइमेट, तो जैसे मतलब काफी कि ठंड थी। हाँ काफी ठंड थी, और उसमें हॉल में जाने के बाद हीटर्स वगैरह लगे थे, बट फिर भी वो पाउडर का जो रनिंग था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था। जैसे कि मेरा स्ट्राइकर काफ़ी रनिंग हो रहा था, तो वो काफ़ी रनिंग की वजह से मैंने सोचा अभी इसको कम कैसे करना है। तो जैसे कि स्ट्राइकर के नीचे जो अपना जो अपन विंटर सीजन में वैसलिन वगैरह जैसे लगाते हैं, उस तरीके का एक एरेलाइट करके
एक इक्विपमेंट है मतलब तो, गाइस बोलने का मकसद ऐसा है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। अगर बोर्ड का रनिंग ज्यादा है तो आप अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है बहुत लोग मतलब एक्सक्यूज देते हैं कि बोर्ड बहुत ज्यादा फास्ट है या बोर्ड बहुत ज्यादा स्लो है, तो उसके लिए वो एक्सक्यूज के लिए मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये आप आंसर अच्छे से सुन लीजिए प्लीज। हाँ तो ये सिचुएशन के हिसाब से अपने को चलना है। तो इतना उसकी काफ़ी रनिंग थी कि जैसे आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा तो सेंटर की कॉइन आपने एक्यूरेट नहीं मारी तो लाइक एग्जांपल सामने के फ्रेम पे लग गई कॉइन, तो सामने के फ्रेम पे लग गई वो कॉइन तो इतना उसका रनिंग है तो वो फिर से सेंटर के हाफ रेंज तक वो फिर से रिटर्न कॉइन आ रही है। जैसे कि लेफ्ट साइड के फ्रेम पे लगी तो कंपल्सरी हाफ डिस्टेंस पे वो रिटर्न आ रही है। तो आपको एक्यूरेसी भी बनाना है उसमें पाउडर, उसका पाउडर का फील जो है जैसे अपन इंडिया में जो बोरी पाउडर यूज करते हैं उसमें ग्रिप वगैरह का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा आ जाता है कि पाउडर फील है हाथों में, जैसे स्मूथनेस है उसका, स्मूथनेस तो काफ़ी है बट जो पाउडर का जो फीलिंग है स्ट्राइकर पे ग्रिप लाने के बाद ऐसे अपने फील होता है कि ग्रिप में पाउडर ही नहीं है। तो आपको वो भी सिचुएशन हैंडल करना है तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे अलग थोड़ा टेक्निक यूज किया था, जैसे उसको मेरे स्ट्राइकर का स्पीड कम कर लिया था एयरलाइट लगा के, और जैसे कि मैंने स्ट्राइकर को एयरलाइट लगाने के बाद ब्रीफ सेट करने के बाद ब्रीदिंग को रोक के, ब्रीदिंग को रोकने के बाद अपने खुद के बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है। तो वो ब्रीदिंग को रोक के कितना स्ट्रोक करना चाहिए उतना ही स्ट्रोक कर रहा था मैं। तो प्रशांत भाई आप एक थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना कैसे आप इस चीज को करते हो। ब्रीदिंग को जैसे अभी कॉइन मारनी है, जैसे प्रैक्टिकली ये कॉइन है तो जैसे उसको ये ब्रीड मतलब ब्रीदिंग को रोक के करना है, तो जैसे ग्रिप सेट किए, ये सेट करने के बाद ग्रिप को लॉक किए, ब्रीदिंग को रोक के जहाँ पे मारना है वहाँ पे स्ट्राइकर अपने मारा वो कॉइन पॉकेट हो गई। हाँ तो ब्रीदिंग को रोकने की वजह से आपको उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखना है। तो कोई भी चीज जब वो हेवी चीज हो या कोई भी चीज आपको समझो उसको मतलब उठाना है तो आप ब्रीदिंग को रोकते हो, मतलब उससे आपको काफी ताकत मिल जाती है। काफी ताकत से अच्छा है कि अपने बॉडी के ऊपर खुद के कंट्रोल आ जाता है कि अपने कितना उसमें एनर्जी यूज करना है, कितना कम करना है, जितना करना चाहिए वो ब्रीदिंग को रोकने की वजह से अपने बॉडी पे खुद का कंट्रोल आ जाता है। जैसे आपको ब्रीदिंग को छोड़ रहे हो, ब्रीदिंग को छोड़ने का अपने बॉडी का कंट्रोल जीरो, तो ब्रीदिंग को रोकने से आप चाहिए उतना एनर्जी यूज कर सकते हो, चाहिए उतना कंट्रोल से पॉइंट मार सकते हो। जैसे आप ग्लांस अटेम्प्ट करते हो, ग्लांस अटेम्प्ट करने के टाइम पे ब्रीदिंग को रोक के आप करोगे ग्लांस अटेम्प्ट, तो जैसे वो ग्लांस की आपकी कॉइन है वो उस कॉइन को आप यहाँ पे जोकर कॉइन ला सकते हो। जोकर बोले तो बॉम्ब, हाँ वो लाइक यहाँ पे कॉइन आती है उससे कोई भी कॉइन को रिलीज कर सकते हो। तो वो आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा ही कैसे वो करते हैं करके। तो बोलने का ये कि ये ब्रीदिंग को रोकने की वजह से काफी कंट्रोल आ जाता है। तो वो सब करके मैंने वहाँ पे ये सिचुएशन को हैंडल किया हो, और मैं ऐसे ही आगे करते करते भी शायद मैंने देखा मैं टीम इवेंट में भी मेरा परफॉर्मेंस उतना कुछ हायर लेवल का नहीं था, बट जैसे ही मुझे आइडिया आने लगे कि अब कितना स्ट्रोक करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए क्या सिचुएशन है उसको मैंने अच्छी तरीके से मैनेज करके जो मुझे जो भी सिचुएशन रहे, जैसे आप कभी हम एसी में खेलते हैं कभी विदाउट एसी होता है, कभी माइनस में है टेम्परेचर, कभी काफी हॉट है, तो वो हिसाब से अपने को समटाइम्स स्वेलिंग स्वेल बहुत पसीना वगैरह आता है, हीट होती है तो कैरम की भी हीट होती है, कुछ कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जैसे इंटरनेशनल वगैरह के तो वहाँ पे एसी लगा होता है हॉल में तो वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, तो उस ठंड में भी थोड़ी सी आपको घबराहट होती है, ठंड में भी होती है और हीट भी होगा, तो भी आप जैसे आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी कभी कभी एसी में खेला करो, कभी फैन लगा के खेला करो, कभी विदाउट फैन खेला करो, तो इस सिचुएशन ऐसा ये प्रैक्टिस करने की वजह से आपको हर सिचुएशन में आप कैसे भी कैरम को हैंडल कर सकते हो। तो बोलने का मकसद ऐसा है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपने आप को हर तरह प्रिपेयर करना है, आपने कहीं एक्सक्यूज नहीं देना है किसी चीज का, आपने अपने आप को उस तरह रेडी करना है। तो कोई भी सिचुएशन आए तो आप वहाँ पे अपने आप को, अगर आपको नहीं भी आता तो उसका भी आपने एक्सक्यूज नहीं देना, उसका भी उसके लिए भी आपने खुद उसके लिए वहाँ पे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, प्रिपेयर होना है, खुद को प्रिपेयर होना है उसके लिए। एग्जैक्टली बस यही ऐसे करते मैंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक का फाइनल राउंड तक का मैं पहुँचा वहाँ पे। तो गाइस मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, कोई भी खेल रहे कैरम रहे क्रिकेट रहे कोई भी, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिनिमम जैसे अब मैं मेरा जो मेथड में यूज़ करता हूँ
जैसे कि आपको आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी राउंड होते हैं, जैसे एग्जांपल स्टेट लेवल पे 8 राउंड होते हैं, तो कम से कम आपको डेली 8 राउंड खेलना। आप बोलेंगे मैं 4 घंटे खेलूंगा सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस करके, तो आप 4 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो आप 4 ही राउंड जीतोगे। तो ये मेरा मेथड है, तो जितना हो सके मैं हार्डवर्क करने की कोशिश करता हूँ। ओके, प्रशांत भाई का बोलने का मकसद, मतलब उन्होंने मुझे भी एक बार बोला था कि आप अगर एक घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 1 राउंड जीतोगे, आप 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 2 राउंड जीतोगे। इसी तरह वो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटा दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके वो फाइनल खेल रहे हैं वहाँ पे। तो आप सोचे हो कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है। और प्रशांत भाई, आपने प्रैक्टिस की बात की, तो प्रैक्टिस एक्चुअली कैसे करना है, काफी लोगों का ये सवाल है, काफी लोग पूछ रहे थे प्रैक्टिस अभी मतलब करना है, बस कैरम पे जाके खेलना है, कैसे अपने आपको किस डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए अपने आपको मतलब अलग अलग चीजों को अपने आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, तो क्या प्लानिंग है, ऐसे कोई मतलब आप मेथड कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो कि आज के दिन मैं थंब मारूंगा, अगले दिन मैं इसका कट का प्रैक्टिस करूंगा, ऐसे मतलब कुछ वीकली आप कुछ डिजाइन करते हो, ऐसे कुछ करते हो? प्लानिंग तो मस्ट है कि मुझे किस तरीके प्रैक्टिस करना है, मेरा वीकनेस क्या है, मैं लास्ट टाइम का मैच जो मैं हारा हूँ वो किस वजह से हारा है, कि जैसे कि एग्जांपल मेरा थंब पॉइंट वीक है तो उस पर मुझे ज़्यादा प्रेशर करना है, उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसको ज़्यादा वैल्यू देना है। जैसे कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा कट का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है, स्ट्रेट पॉइंट का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, ब्रेक चाहिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि पुशिंग में होता है, जैसे कि ब्रेक अपन लगाने में पुश कर दे, तो ये पुश करने के बाद पॉइंट एक घूम के वो सामने वाले के बेस पे जा रही है, तो ये सब जो क्यों हो रहा है उसका रीजन ढूंढना है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी जैसे मेरा जो मैं जो जिस तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ, सबसे स्टार्टिंग में कि अपने को जब प्रैक्टिस के लिए बैठते हो तो सबसे फर्स्ट 500 कॉइन्स आपको बीट करने हैं। 500 मीन्स लाइक आपको मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, कि 500 कॉइन पहले कैसे बीट करना है, उसमें आपकी सारी कॉइन्स की प्रैक्टिस होगी। ओके, सारी कॉइन की प्रैक्टिस मीन्स आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये 3 कॉइन, ये मैं जानबूझ के आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि इस कॉइन में आपकी हर तरीके की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि जैसे आप ये स्ट्रेट कॉइन ले रहे हो तो ये स्ट्रेट की प्रैक्टिस हो गई आपकी, ये अपने पॉकेट में करने के बाद ये आप यहाँ से मारो क्योंकि वो आगे वाली कॉइन को टच नहीं आया, तो आपको स्ट्रेट कॉइन लेने का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद उसको आपको मारना है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई पोजिशन है तो वहाँ पे आपको यहाँ से ही उसको बीट करना होता है, तो इस कॉइन की प्रैक्टिस होगी, तो हर कॉइन को एक कॉइन से दूसरी कॉइन टच ना हो उस तरीके की प्रैक्टिस करना है। इस वजह से आपकी टोटल प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेट कॉइन की भी मींस एंगल टू एंगल और स्टेट थोड़ा जैसे अपन टिपिकल वर्ड में बोलते खड़ी कॉइन मारना है उस टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कि आपकी थंब की प्रैक्टिस हो रही है, फिर से उसमें आपके जो डिफिकल्ट कॉइन है छिटकी हुई उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डबल टच की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद आप इसको रिटर्न अटेम्प्ट कर सकते हो, डबल टच अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसमें हर तरीके की प्रैक्टिस हो जाती है, लाइक सिंगल कॉइन की भी, कट की भी, रिटर्न की भी, ये छिटकी हुई कॉइन की भी, तो इसमें ये मिनिमम आपको ये भी जैसे कि 9 व्हाइट कॉइन एंड 9 ब्लैक एंड 1 क्वीन राइट, तो इसमें ये 19 कॉइन तो हो गए, अराउंड अपन 20 कॉइन्स पकड़ते, 20 कॉइन्स को 1 अटेम्प्ट में ये होगा, तो आपको कम से कम ये 500 बार करना है ये। ओके, तो 500 कॉइन टोटल होना चाहिए, जैसे 20 है तो जैसे 1 शॉट 20 हो गए, जैसे 100 5 टाइम में हो जाएंगे, तो 200 जैसे कि 10 टाइम में हो जाएंगे, तो वैसे आपको मिनिमम 25 बार ये करना है, ये बेसिक, ये स्टार्टिंग, जैसे ये आप इसको अदर स्पोर्ट्स के हिसाब से बोल सकते हैं कि आपका वार्म अप है, तो वो आप वार्म अप करने के बाद फिर आपको ब्रेक का प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर ब्रेक लगने के बाद क्वीन कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, प्रैक्टिस उसका करना है, फिर वाइट पॉकेट होने का ब्रेक टू के लिए अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में ब्रेक टू के लिए आपने अटेम्प्ट करने का, ब्रेक टू नहीं हो रहा तो आप ब्लैक को अटेम्प्ट करो, यहाँ से ब्लैक को ट्राई करो फिनिश करने का, तो ऐसे कम से कम फिर वो 2 घंटा खेलना है आपको, जैसे ये समझो आपका 2 घंटे में हो जाता है, वो 2 घंटा करना है, फिर आपको लग रहा है कि आपकी ग्लांस का पॉकेट मतलब एक्यूरेसी कम हुआ है तो उसके ऊपर फोकस करना है, आपको कॉइन को राउंड करके अटेम्प्ट करना है, उसका कॉन्फिडेंस कम हुआ उसको अटेम्प्ट करना है, कट का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, डबल टच का कॉन्फिडेंस, जैसे आपको जो जो रिक्वायरमेंट लग रही है कि ये चीज़ मेरे में कमी है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है सभी को, तो ये सब मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों की अलग अलग टेक्निक होती है,
कोई, फिर उसके बाद ये सब होने के बाद जैसे कि आपको लग रहा है कि स्टेट कॉइन एग्जांपल ये स्टेट कट मारना है, जैसे कि ये कॉइन है हर भी, इस कॉइन से डिफेंस कॉइन को आप निकाल दे दो, इसको यहाँ से ही अटेम्प्ट करो बार बार, यहाँ से ये फर्स्ट ये सेकेंड, ऐसे सिंगल सिंगल कट जैसे कि इस पे मार के वो निकालो वो, तो ये सब भी ये जो इंडिया लेवल पे खेलना है तो ये गेम तो मस्ट है। ये बेसिक गेम खेल के वहाँ पे इजी नहीं, मतलब बेसिक गेम पे वो टाइटल लेके जाना इजी, तो ये सब डेडिकेशन करना जरूरी है उस लेवल पे खेलने के लिए। तो मैं सभी कैरम लवर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस इस तरह कीजिए, मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ, और काफी लोगों के अलग अलग आइडियाज है, तो मेरा बता दिया मैंने। राइट, आप किस तरह से कर रहे हो? हाँ। तो उसके बाद जब ब्रेक का प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आप ब्रेक का किस तरह प्रैक्टिस करते हो? ब्रेक मारते हो उसके बाद ब्रेक टू का पोजीशन खेलते हो? हाँ, ब्रेक टू के लिए अटेम्प्ट करता हूँ, ब्रेक टू का मिस हो गया तो फिर ब्लैक के लिए अटेम्प्ट करता हूँ, ब्लैक टू फिनिश के लिए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते, दो से ढाई घंटे वो करता हूँ मैं, वो होने के बाद फिर जो मैंने आपको बताया कट्स का, ये हैंड कॉइन का, डबल टच कॉइन का, रिटर्न कॉइन्स का, ये चिटकी हुई कॉइन का, सामने की डबल टच, सब कॉइन का प्रैक्टिस करता हूँ, जो जो मुझे वीकनेस लग रहा है, जो मुझे मेरा कम हुआ है प्रैक्टिस है, जो भी है, तो मैं उसको कवर करता हूँ। और भशन भाई, मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ग्रिप, किस ग्रिप से आप खेलते हो, क्या क्या उसकी वजह है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और अगर कोई यहाँ पे बिगिनर है तो उसने कैसे खेलना चाहिए, कैसी उसकी ग्रिप होनी चाहिए? देखो, जो जो लोग काफ़ी साल से लॉन्ग ग्रिप से खेल रहे हैं, या तो कोई भी ग्रिप से खेल रहे हैं, तो काफ़ी साल से आप समझो कोई नॉर्मल ग्रिप से खेल रहे हैं, लाइक एग्जांपल ये ग्रिप है, या आप ये काफ़ी साल से ये ग्रिप से खेल रहे हो, ये ग्रिप कोई बुरी नहीं है, ये ग्रिप भी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे बड़े प्लेयर से ये ग्रिप से खेल रहे हैं, पर लॉन्ग ग्रिप की मतलब स्पेशलिटी ऐसी है कि लॉन्ग ग्रिप के ग्रिप होने के बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ही कॉइन को अच्छी तरीके से बोर्ड पे मतलब इतना एक्यूरेसी आपका आ जाएगा कि चाहिए वैसे, और जैसे आप ग्लांस स्ट्रोक करते हो चाहिए वैसा कॉइन, आप इसको यहाँ लाना है, उसको यहाँ लाना है, ग्लांस अटेम्प्ट करके रखते हैं। एग्जाम्पल मैं तो ये बता रहा हूँ, ये अटेम्प्ट करने के बाद ये आपको जहाँ लाना है, ये लॉन्ग ग्रिप से कंपेयर टू आप बहुत अच्छी तरीके से इसको आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है? तो इस कॉइन से आपको फिर वो निकालना, लॉन्ग ग्रिप से बहुत अच्छी तरीके से आता है कंपेयर टू अदर ग्रिप। तो मैं जिन लोग बिगिनियर हैं, जो अभी उन्होंने ग्रिप स्टार्ट किया है, उनको ग्रिप के लिए कन्फ्यूजन है, तो मैं बोलना चाहूँगा लॉन्ग ग्रिप ज़्यादा मैं प्रिफर करूँगा, और जो काफ़ी साल से जो खेल रहे नॉर्मल ग्रिप से, तो उनको काफ़ी एक मतलब एक क्लियर कर लो गाइस कि जो अभी यहाँ पे काफ़ी साल से खेल रहे हैं रशन भाई, और वो लोग मतलब रेगुलरली अगर किसी का ग्रिप कॉपी कर रहे हैं, किसी का चेंज कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई भी ऐसे मिस्टेक करता है, मतलब मैंने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया और लोगों को बताया कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो, आप फंस रहे हो, एक जाल के अंदर फंस रहे हो, एक बीमारी एक तरह की, तो ये तो आप जरा बताइए इस बारे में। अभी आप काफ़ी साल से एक ही ग्रिप से खेल रहे हो और अचानक से आप ग्रिप चेंज करोगे, तो फिर से आपको ABCD से स्टार्ट करना है, तो ऐसा गलती से भी मत करना। जो आप काफ़ी साल से जो ग्रिप से खेल रहे हो उसी ग्रिप को कंटिन्यू कीजिए, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो ही अपना लक फेवर करेगा हर चीज़। आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन करना चाहिए, तो ग्रिप के बारे में बोलूँगा कि ग्रिप आप चेंज मत कीजिए, कंटिन्यू जो आपकी पहले से ग्रिप है उसी को फोकस कीजिए। ऐसे करते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग ग्रिप के लिए जो नए प्लेयर्स है उनको लॉन्ग ग्रिप से ही आप स्टार्ट कीजिए। दैट्स इट।